नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप पीएनबी वन ऐप में अपने टी पिन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि आप जब पीएनबी वन ऐप पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो उस टाइम जो है आपको एक 4 डिजिट का पिन सेट करना होता है, जिसे आपको 180 दिनों के बाद जो है चेंज करना होता है, जिससे कि आप किसी भी धोखाधड़ी से जो है आप बच सके, किसी भी धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। तो ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी जो है अपने पीएनबी वन ऐप को ओपन किया, उस पर अपने पिन से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो है ये जो है आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। हम चाहे तो अभी चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जब तक आप पिन चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है आप इस ऐप से जो है किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले ये बता रहा है योर पिन हैज़ एक्सपायर्ड, मतलब कि हमारा जो एम पिन है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, 180 दिन से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पिन चेंज करने के लिए बस आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओल्ड पिन, आपका जो ओल्ड पिन है यहाँ पे आपको एंटर करना होगा और यहाँ पे आपको न्यू पिन जो है एंटर करना होगा। और नीचे में आपको 2 बटन देखने को मिल रहे होंगे, स्किप और सबमिट। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप अपना पिन चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप पे क्लिक कर देंगे, और अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ओल्ड और न्यू पिन को इसमें जो है एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने नया पिन जो है इसके अंदर एंटर कर दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बस सबमिट बटन पे क्लिक। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना ओल्ड पिन और न्यू पिन उसके अंदर एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद क्या है कि आपका जो एम पिन है वो रीसेट हो जाएगा, नया पिन सेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली एम पिन सेट सक्सेसफुली। आप बस इतना करते ही आपका जो एम पिन है वो सेट हो जाएगा। मुझे ये दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो एम पिन सेट करते समय जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसी कारण जो है मुझे दूसरे मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।